इधर आ जा भाई सर। थोड़ा साइड हो जाना, thank you.
और जिस शॉपिंग मॉल में, जिस ड्रैगन मार्ट में जो हर प्रकार के सामग्री यहाँ पे उपलब्ध किया जा रहा है और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे उपलब्ध किया जा रहा है, और उसमें एक खासियत ये भी है यहाँ पे हर प्रकार के जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, खाना पीने के जो सामग्री हो, किचन के जो सामग्री हो, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, उसी तरह वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो, ये सब का प्रोविजन यहाँ पे जो रखा है। और साथ ही साथ मैं इस बात का भी हाईलाइट करना चाहूँगा, इस मॉल में जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी लद्दाख के जिसको हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ के युवा और युवतियों ने जो अपने मेहनत से बनाए हैं, इन चीज़ों को भी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिससे वोकल फॉर लोकल के नारे, प्रधानमंत्री जी के नारे को सपोर्ट करते हुए, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर लद्दाख को सपोर्ट करते हुए ये शॉपिंग मॉल आज यहाँ पे इनोवेशन हुआ। मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले महीनों में, सालों में इससे लद्दाख वालों को एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हार्श क्लाइमेट कंडीशन, जो विंटर यहाँ होते हैं, दोनों तरफ से जो सड़कें बंद होते हैं, उन सर्दियों के मौसम में भी, जाड़ों में भी यहाँ पे जो सामान का उपलब्ध हो, ये सबका प्रयास रहेगा और सरकार भी इसमें पूरा मदद करेंगे पूरे लद्दाखवासियों को। और दूसरी चीज़, एक तो यहाँ सामान उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात है, और प्लस वो अफोर्डेबल रेट पे हो, ये भी हम सबका कोशिश रहेगा। इस उपलक्ष्य पे जो ड्रैगन स्मार्ट ये है, सुपर स्मार्ट है, इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुस्तफ़ा और उनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यूटी बनने के बाद में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लद्दाख में लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किस तरह मैनेज करेंगे आप? मैं समझता हूँ यूटी बनने से लोगों को एक हौसला मिला है, ये एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का एक एफर्ट है, उनका ये एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसको खड़ा करने के लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए था। जी, वो कॉन्फिडेंस यूटी बनने से यहाँ के लोगों को मिला है, जिस कॉन्फिडेंस को लेके लोगों ने ये खड़ा किया है। थैंक यू सर। इस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट आई है आपको? इसमें फिर ऐसा एक चीज़ खड़ा करना, ऐसा एक चीज़ का एक सोर्स रखना, ख़ासकर विंटर में एक हीटिंग सिस्टम, एक लिफ्ट फैसिलिटीज़ के समान, वो ठंड में अगर कोई बच्चा भी लेके आए, फैमिली इधर आके परचेस कर सके, वो हमारे लिए एक चैलेंज था जी। तो ये एक्सपेंसिव हमारे लिए ज़रूर एक चैलेंज है। दूसरी बात जो है, बिल्कुल अभी एम पी साहब ने कहा कि भाई इसमें हमें वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, एयर कार्गो का कुछ अगर मिले तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा ये है। बाकी दूसरी बात, हमने लोकल के लिए बहुत कोशिश की, अगर लोकल प्रोडक्ट, अभी ये भी कह रहा था कि एम पी साहब यहाँ पर टोमेटो चेरी जो है यहाँ पर रुकता है, बाहर से ही लेंगे, यहाँ से ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, या इसको देखकर ये एक एग्जांपल रहेगा यहाँ के लोगों के लिए कि भाई ऐसा चीज़ तो एक कमर्शियल रिटेल का एक लोगों को एक एग्जांपल है। आपने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे ध्यान दिया है, आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे यहाँ? बिल्कुल, हम अगर हमें यहाँ पर इस चीज़ को क्या क्या हमने लाया है, वही चीज़ अगर यहाँ के लोग हमें करते, तो हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है जी। ये तो यहाँ के लोगों के लिए, हमारे लिए सस्ता पड़ेगा जी। ऑनलाइन का कुछ, ऑनलाइन का हम अभी नहीं सोचा है, लेकिन फ्यूचर के लिए ज़रूर ऑनलाइन का हम ये करेंगे, वो जैसे कैसा ये रहता है इसका डिमांड, उस हिसाब से हम आगे का ऑनलाइन का भी सोचेंगे। सर, लद्दाख में जो वेजिटेबल या फ्रूट्स और प्रोडक्शन मतलब एक ही टाइम पे होता है, तो
वो अगर मार्केट नहीं मिलते तो मुश्किल हो जाता है। क्या ड्रैगन उनको एक मतलब विंटर टॉक स्टोर करने के लिए कोई ऑप्शन है ऐसे जैसे लगा कि जो वेजिटेबल फ्रूट वगैरह? बिल्कुल वही शुरू से ही यही सोचा है कि भाई सर्दियों में समर में तो रोड खुला है मनाली से श्रीनगर से यहाँ पर मंडी है पूरा उपलब्ध हो जाता है। 6 महीना सर्दियों का जो है वही हमने सोचा है कि कोशिश करेंगे कि कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें बाय एयर भी लाना पड़े हम ला के यहाँ पर लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे। तो लद्दाख के लोग ये उम्मीद करें कि सर्दी में सब्जियाँ उनको पूरी ग्रीन मिलेंगी। जी जी सब्जियाँ को छोड़कर फ्रूट्स को छोड़कर जो चीज़ यहाँ नहीं मिलता है इवन ड्राई प्रोडक्ट्स वो भी अगर हमें स्टॉक खत्म हो जाए वो भी यहाँ उपलब्ध करेंगे बाय एयर ला के। ठीक है।